सुखदेव जी पे जो अभी गोली चली उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुखदेव जी पे गोली चली ये बहुत निंदनीय घटना है। पूरे जयपुर में, मतलब आप जयपुर का प्राइम लोकेशन है श्याम नगर में दिन दहाड़े गोली मारना, वो भी घर में घुस के मारना, बहुत बड़ी घटना है जयपुर के लिए। और वो व्यक्ति जो भारतवर्ष के लिए एक बड़ा, मतलब एक शांतिवादी, एक मतलब सभी कौमों को साथ लेके चलने वाला था, उस व्यक्ति के ऊपर हुई है, जो मतलब हमारा भाई था उनके साथ में ये हुआ। ये बहुत बड़ी जयपुर, ये राजस्थान के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हाँ, तो आपको क्या लगता है पर्सनली ये है या कोई पॉलिटिकली? नहीं, मैं पॉलिटिकली नहीं कहूँगा, पॉलिटिकली नहीं है ये पर्सनली है। पर्सनली कोई, अब क्या है कि जो वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में इनकी अपनी पर्सनल इनकी है, उसमें है, बाकी ये पॉलिटिकली तो हो ही नहीं। पॉलिटिकल तो मतलब ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल उन्होंने तो अभी पार्टी बनाई है अपनी, अभी उनका एक कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हुआ है। तो उन्होंने पिछले 15 दिनों पहले उनका फ़ोन आया था मेरे पास, वो मुझे बोल रहे थे यार कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आशंका लग रही है मेरे को, मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, पर ये है कि ये इतना जल्दी इलेक्शन के बाद में ये कांड होना बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। तो उनको जब पहले ही कुछ ऐसा आभास हो गया तो क्या उन्होंने कोई पुलिस से गुहार की? बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला है, पाकिस्तान से भी इनको कई बार आई है, इनको टेरर आई है, तो ये इनकी सेफ्टी ज़रूरी थी। यदि कोई व्यक्ति समाज में उच्च स्थान रखता है और व्यक्ति यदि कोई आज काम कर रहा है, ठीक है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख के यदि आप ये सोचें कि अगला काम कर रहा है, सभी समाज को सभी कौमों को साथ लेके चल रहा है, और वो उसके साथ पूरे डे में, मतलब आप दिन दहाड़े घर में घुस के चाय पी के 4 गोलियां मारना मामूली बात नहीं है, गार्डों को मारना मामूली बात नहीं है, साथ में सहयोगियों को मार दी गोली, वो अभी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी, तो ये 36 कौमों के लिए शर्म की बात है और एक जीव हत्या गलत बात है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये जो किया है ये अब पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए इस संदर्भ में। आपको क्या लगता है कि जो कौन किस किस के क्या क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सुखदेव जी को 4 गोलियां लगी हैं और उनके सहयोगी हैं अजीत जी, उनके लगी है, मामराज के लगी है, और अभी क्रिटिकल हालत है, अभी उनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेके जा रहे हैं अभी SMS लेके जा रहे हैं, SMS में क्रिटिकल हालत मतलब ICU में तो डेफिनेटली लेके जाएंगे। पर यह है कि ये कोई तो बात है जिसके कारण ये घर में घुस के ये हुआ है, कांड हुआ है, पर पुलिस डिपार्टमेंट को आगे इस बारे में हम यही कहना चाहें कि आप जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद।